नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। सरकार द्वारा कैबिनेट में पास करके सितारगंज चीनी मिल को पीपी मोड पर लाने के फैसले से कर्मचारियों में उबाल देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिन से चल रहा धरना आज सड़कों पर उतर कर्मचारियों ने तहसील में प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के सितारगंज में चीनी मिल के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन देखते ही देखते विशाल रूप ले गया। कर्मचारी आक्रोशित होकर अमरिया चौक पर बच्चों को लेकर पहुंच गए, जहां पर कर्मचारियों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि 700 कर्मचारियों का परिवार रोड पर आ गया है। वहीं कर्मचारियों ने जनरल मैनेजर पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने चीनी मिल में जो भी रिपेयर का काम कराया है उसके कई गुना ज्यादा दाम के बिल बनाकर पैसा जनरल मैनेजर ने निकाल कर गमन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम स्टोरी। इलाके के लिए चीनी मिल के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा दुखद मामला है। किसी चीज़ को बंद करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चलाने में कितनी परेशानी होती है, कितनी परेशानी के बाद से चीनी मिल चला। आज कर्मचारियों के साथ में एक प्रकार की सरकार ने धोखा कर रही है। केवल कर्मचारी नहीं, पूरे इलाके का लाखों आदमी और काम कर रहे हैं। वहाँ चीनी मिल पर जाके देखिए, हजारों दुकानें बनी हैं, बाजार लगता है, हजारों आदमी अपना सौदा करते हैं, बेचते हैं। ये किसी के बल पर पूरे सितारगंज बाजार का सारा माल वहाँ पर बिकता है। तो इस तरीके से केवल ये मिल बंद करके 500-600 जो कर्मचारी, उनका नुकसान नहीं है, पूरे इलाके का नुकसान है। किसानों का भी कितना बड़ा नुकसान है। इस तरीके से हम लोग अगर किसी कीमत पर सरकार अगर बंद करने के लिए, हम लोग बंद नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हम लोग कोई कुर्बानी करने के तैयार हैं। इस चीनी मिल को चलाने के लिए हमारे प्रधान प्रबंधक महोदय ने जो आंकड़े लिए थे वो 25 लाख कुंटल के जो है, उसके लिए सरकार से बजट मांगा था और उस बजट के अनुरूप सरकार ने वो बजट दिया। उसके बाद हमारे यहाँ रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम भी शुरू हुआ। सारी रिपेयरिंग मेंटेनेंस हमने तैयार कर ली, सारे सेंटर हमने एरिया में भिजवा दिए गए हैं। उसके बाद आनंद फानंद में सरकार का ये आदेश आता है कि भाई इसको जो है बंद कर दिया जाता है, इसको पीवी मोड पर दे दिया जाता है। तो जानकारी में ये भी आया है कि हमारे प्रधान प्रबंधक महोदय ने 56 करोड़ रुपये की डिमांड की है उत्तराखंड सरकार से। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 56 करोड़ रुपया हमारे प्रधान प्रबंधक को किस लिए आवश्यकता थी, क्योंकि जब आपके द्वारा सल्फर खरीद ली गई, आपके द्वारा बोरा खरीद लिया गया, आपके द्वारा लुब्रिकेंट खरीद लिया गया, अब केवल और केवल अगर हमको पैसे की जरूरत थी वो केन प्राइस की जरूरत थी और बाकी लेबर की सब वेतन के लिए जरूरत थी। वो हम अभी 2-4 दिन में हमारा प्रोडक्शन चलता, चीनी निकलती, उसका हमारी DP प्लस हो जाती, हमें बैंक जो है पैसा देना शुरू कर देती। तो आखिर ये गलत सूचना सरकार के पास 56 करोड़ रुपये मांगने की इनको क्या जरूरत है, ये बताएं कि 56 करोड़ इनके काहे लिए चाहिए थी। और अगर ये केन प्राइस के लिए क्या, तो केन प्राइस की जरूरत तो भी है नहीं। केन प्राइस तो सरकार हमेशा देती रही और पहले भी दिया है। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके द्वारा अगर बंदी करनी थी तो 202 करोड़ रुपया आखिर आपने क्यों खर्च किया? आप पहले कह दिए थे भाई ये बंद हो जाएगी, चीनी मिल नहीं चलेगी। और ये तो प्रधान प्रबंधक महोदय द्वारा 5-6 महीने पहले इस बात को कहा गया कि भाई ये चीनी मिल नहीं चल पाएगी, आप लोग जो आराम करो। और इसी एवज में इन्होंने अपने पीरियड में कोई भी कर्मचारी से काम कार्य स्वीकृति पर काम नहीं लिया गया। हमारे यहाँ 150 आदमी टेक्निकल है, जिसके एवज में 104 आदमी ने हमारा पूरी फैक्ट्री तैयार की है, रिपेयर की है, और इनके द्वारा एक भी आदमी कार्य स्वीकृत में नहीं रह गया, क्योंकि इनका मन में शुरू से खोट था कि भाई ये मिल मुझे बंद करनी है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि इनकी जो है जाँच 5 वर्षों से की जाए कि इनके द्वारा क्या क्या खर्चे किस किस मद में किए गए, किन की स्वीकृति ली गई, किन की स्वीकृति नहीं ली गई है। और आज स्टोर में जो है करोड़ों रुपये का सामान पड़ा हुआ है, अगर इनको मिल नहीं चलानी थी तो इनके द्वारा करोड़ों का सामान क्यों क्रय किया गया? इनके पास जो है आज एक शाफ्ट इनको खरीदनी थी, जो 4 साल पहले नई शाफ्ट हमारे स्टोर में पड़ी हुई है, और वो शाफ्ट जो है आज इन्होंने नई जो है गाजियाबाद से मंगवाई है, ट्रांसमिशन गियर की शाफ्ट है वो, क्यों नहीं वो पुरानी शाफ्ट जो हमारे स्टोर में पड़ी हुई है, जिसकी वजह से भाजपुर से यहाँ ट्रांसफर होकर आए थे, वहाँ एक सौदागर कोई सप्लायर थे, उनके द्वारा वो शाफ्ट जो सप्लाई की गई है, इसकी जाँच हो। मैं आपके माध्यम से इस ट्रांसमिशन गियर की शाफ्ट की जांच करने के लिए मांग करूंगा कि आखिर ऐसा अनाप शनाप सामान क्यों क्रय किया जाता चीनी मिल में, जब आपको चलानी ही नहीं थी। तो